एंड नाउ अ टेस्टी पोटैटो ट्रीट, और इसे सिखाने के लिए हमारे साथ हैं शेफ राजीव पमनानी फ्रॉम होटल ताज पैलेस न्यू दिल्ली। हेलो शेफ। हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक्स। तो आलू की सब्जी तो हम घर में कई तरह की खाते हैं, लेकिन आज आप हमें कुछ नया सिखाइए, तो क्या सिखाएंगे? आज हम आपको जो पोटैटो रेसिपी सिखा रहे हैं उसे हम रोस्टी बोलते हैं। रोस्टी। फर्स्ट वी टेक द पोटैटोस। ओके, लेट्स बॉइल पोटैटो। उबला हुआ आलू? उबला हुआ है पर पूरी तरह नहीं, इट इज कॉल्ड पार बॉइल्ड पोटैटो। अच्छा, तो आधा कच्चा रहेगा। आधा कच्चा रहेगा। ओके, हम इस आलू को ग्रेट कर लेते हैं। सो व्हाट डज रोस्टी मीन? रोस्टी एक्चुअली मींस समथिंग लाइक अ रोटी out of potatoes. What language is roti? I was about to say that. The French term for that. I mean, what we use roti for Indian chapatis. Yeah. It's based potatoes. Okay. And it's called roti in French. Okay. We'll actually just mix it in the bowl. तो ये बिल्कुल हल्के हाथ से उठा के डालना चाहिए ताकि टूटे ना। अगर मैश हो जाएगा तो फिर वो पर्पस खत्म हो जाता है। इसी में अब हम थोड़ा धनिया पाउडर, से अबाउट 1/4 टीस्पून, सेम अमाउंट ऑफ हल्दी पाउडर, एंड रेड चिली पाउडर। दैट्स ऑप्शनल, इजंट इट? सी, इट सूट्स इंडियन पैलेट। या, दैट्स राइट। सी, now this is hara dhaniya. Yeah, hara dhaniya and bit of salt. You mix it with very light hands. Halke haath se milayenge. Iski topping hum pehle bana lete hain. Acha, iski topping ke liye hame jo jo chahiye, oil. Take about 2 teaspoon of oil. And we जो अनियन जो आपने प्याज बारीक काटा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। प्याज जो आपने स्लाइस किया हुआ है उसके रिंग्स निकले हुए हैं, मतलब बारीक जो दाना कटा हुआ है वो नहीं है। एक्चुअली मशरूम्स भी स्लाइस किया है। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ कुकिंग इज दैट वी शुड हैव सिमिलर कट्स, एक जैसे कट्स होने चाहिए वेजिटेबल्स के। अब इसमें आप मशरूम्स ऐड कर दीजिए। तो ये मशरूम कच्चा है, बॉइल्ड? मशरूम कच्चा है और इसे आप धो लीजिए पहले। ओके, क्योंकि उसमें मशरूम में काफी मिट्टी होती है। दैट्स राइट। अभी मशरूम अपना थोड़ा पानी छोड़ेगा एंड इट विल गेट थोड़ा टेंडर हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा हाफ द क्वांटिटी ऑफ द चीज, से अबाउट 20 ग्राम्स ऑफ द चीज जो हमने ग्रेट किया है वो हम इसमें मिला देते हैं। ये जो टॉपिंग है ये थोड़ा लिपटा हुआ होना चाहिए। अच्छा। और इसको आप फिनिश करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और चॉप किया हुआ पार्सले डाल देते हैं। अभी हमारी टॉपिंग तैयार हो गई है, हम इसे एक साइड पे रख देंगे और हम रोस्टी बनाएंगे। अब रोस्टी बनाने के लिए हम बटर लेते हैं एक नॉनस्टिक पैन में, टेक अबाउट 1 टीस्पून ऑफ बटर। This is yellow butter. Yeah. Okay. तो ये तो तैयार है, इसे यहाँ पे रख दे। Okay. और जो मिक्सचर आपने पहले बनाया था, इसे हम पैन में। Okay. और इसको रोटी की तरह साइड से गोल करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसको दोनों साइड से कुक करना है। तो कितनी देर के बाद इसे टर्न करते हैं? थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो नीचे तो दिखता नहीं है कि गोल्डन ब्राउन हो गया है। एक दो मिनट। ओके,
तो अब इसे टर्न करना है। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। इसका टर्निंग थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं, तो थोड़ा ध्यान से करना है ताकि वो रोस्टी टूटे ना। ब्रिलियंट। अब मैं इसको वापस बहुत ही हल्के हाथ से, पैन आप उल्टा करते हैं तो बटर गिर जाता है, तो थोड़ा और बटर डालने की जरूरत पड़ती है। अभी हमने साइड चेंज किया है, अब हम थोड़ा बटर डालेंगे इसमें। आई थिंक इट्स डन। और अब हम इसके ऊपर इसकी टॉपिंग डालेंगे। Just put this mixture on top of it. The remaining grated cheese can be put on top. पैन में रखने से क्या होता है कि इसका बेस क्रिस्प हो जाता है एंड इट टेस्ट बेटर। Now we'll put this in the oven to gratinate. Gratinate का मतलब क्या होता है? Gratinate का मतलब हुआ कि जो हमने चीज़ इसके ऊपर डाला है वो melt कर जाए। अच्छा। और उसको एक brownish color आ जाए, सुनहरा रंग आ जाए। जी। Okay. Gratination के लिए हमें oven को preheat कर लेना चाहिए। Temperature कितना होना चाहिए उसमें? इसका temperature about 200 degree centigrade होना चाहिए। So I think it's almost done. I can see the color changing. Yeah. So shall we put it on the plate now? Yeah. Thank you so much, chef. और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज आवर आलू स्पेशल। वी जस्ट हैड सम आलू एंड सम मोर आलू कमिंग फॉर यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। रोस्टी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा उबला हुआ आलू एक, धनिया पाउडर एक चौथाई टीस्पून, हल्दी एक चौथाई टीस्पून, लाल मिर्च एक चौथाई टीस्पून, हरा धनिया एक टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार। और टॉपिंग के लिए तेल 2 टीस्पून, प्याज 15 ग्राम, मशरूम्स 20 ग्राम, शेदर चीज 20 ग्राम, पार्सले 10 ग्राम, मक्खन 2 टीस्पून। आधे उबले आलू को अच्छी तरह कस लें, मसाले और हरा धनिया डालकर हल्के हाथ से मिलाएं, तेल गर्म करके प्याज भुनें, फिर डालें मशरूम और चीज, नमक और पार्सले से फिनिश करें। मक्खन पिघलाकर आलू का मिक्सचर पैन में डालें, रोटी की तरह गोलाकार दें, 1 से 2 मिनट के बाद दूसरी साइड पलट दें, टॉपिंग डालें, चीज स्प्रिंकल करें और ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक ग्रेटिनेट करें, गार्निश करके सर्व कर दें। शेफ, हमारे आलू स्पेशल की दूसरी आलू की रेसिपी कौन सी है? दूसरी रेसिपी है, दैट इज कॉल्ड द जैकेट पोटैटोस विद चिकन टिक्का। ओके। जैकेट पोटैटोस के लिए हमें मीडियम साइज्ड आलू लेना है। ओके। उसे अच्छी तरह साफ करके सिल्वर फॉइल में लपेटना है। ओके, सो दैट इज द जैकेट। या। ओके। सिल्वर फॉइल इज द जैकेट। फिर हमें एक ट्रे लेनी है ओवन के लिए। ओके। उसके अंदर सॉल्ट का बेड बनाना है। अच्छा, तो सॉल्ट आप उस पे स्प्रिंकल करेंगे नहीं, काफी थिक से कवर कर देंगे पूरा। या, अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर। Okay. उसका बेस हमें बनाना है। ओके। उसमें हमें ये आलू रख देने हैं और ओवन को प्रीहीट करना है अबाउट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा। एंड दिस विल टेक अबाउट 40 मिनट्स। ओके। तो ये बेक हो जाएगा। ओके। सो आफ्टर वी डू दिस वी रिमूव द जैकेट। ओके। छिलके के साथ ही आप इसे सिल्वर फॉइल में कवर करते हैं? हाँ, हम छिलका नहीं उतारेंगे इसका। ओके। भी आपके सामने एक बेक पोटैटो है। अब हम इसको काट लेते हैं और दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा। इसका बेस बनाने के लिए या तो आप इसको थोड़ा फिंगर से दबा दीजिए। अच्छा, पीछे से अंगूठे से दबाएंगे। ओके। ताकि ये खड़ा हो जाए। अब हमें इसके अंदर एक चिकन टिक्का की स्टफिंग करनी है, तो उसके लिए हम इसमें एक होल बना लेते हैं। ओके। So it does not have to be very deep. No. छोटा सा एक होल है बस। ओके।
See, if you want more stuffing, mm-hmm. so aap deep kar sakte hain. It depends on the taste. Yeah. Okay. Now we'll make the chicken tikka stuffing. Okay. For that we need 2-3 chicken tikkas, mm-hmm. jo hume market se easily mil jate hain. Mil jate hain. Okay. Isko hum thoda finely kaat lenge. Mm-hmm. So the only thing we have to remember is ki ekdam barik kata hua hona chahiye. Stuffing ke liye main thoda oil lena hai. Acha. Put the oil in the pan. Isme ye barik kata hua pyaaz bina dijiye. To ise bhi saute karenge jab tak ye translucent na ho jaye ya inhe brown karenge. Thoda zyada karenge usse. Okay. क्योंकि हम थोड़ा इंडियन टच दे रहे हैं इसको ओके हाफ टी स्पून धनिया पाउडर सेम क्वांटिटी हल्दी जब ये मसाले पक जाएं, तो आप इसमें ये चॉप जिंजर डाल दीजिए अदरक भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए अब हमने इसमें चिकन टिक्का जो हमने बारीक काटा था वो मिला दिया और आप गैस बंद कर दीजिए क्योंकि मसाले पके हुए हैं चिकन भी कुक्ड है तो इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं सिर्फ मिलाने की जरूरत है एग्जैक्टली इसको फिनिश करने के लिए थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए क्योंकि प्याज में नमक नहीं था चिकन टिक्का में ऑलरेडी सॉल्ट है yeah. अभी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है अब हम इन पोटैटोस को बेकिंग ट्रे में रखेंगे इनके अंदर ये स्टफिंग डाल के We sprinkle cheese. We sprinkle cheese on top and gratinate this. Okay, so what cheese are you using here? Same cheddar cheese. Cheddar cheese. Okay. Because that's the cooking cheese. Okay. इसके ऊपर हम ये ग्रेट किया हुआ चीज डाल देंगे We can put it back in the oven. Yep. So how much time to go now? Another 2-3 minutes. 2-3 minutes, okay. I think it's done now. Okay. I'll take it out from the oven. Yep. That's just perfect. एक बात के लिए मुझे आपकी तारीफ करनी पड़ेगी आलू जो है देखने में इतना अच्छा वेजिटेबल होता नहीं है बट हियर इट लुक्स ब्यूटीफुल थैंक यू अब हम इसको फिनिश करने के लिए इसके ऊपर चॉप्ड धनिया जो हमने किया था फ्रेश कोरिएंडर ओके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे जस्ट टू गिव इट दैट अपील Ready to be served, just to be transferred into the serving plate. Okay. We have a nice little rabbit bowl there. तो इसे चटनी के साथ खाया जाता है या केचप के साथ खा सकते हैं? किस चीज के साथ खाया जाता है? इसका टेस्ट ज़्यादा केचप के साथ अच्छा है। केचप के साथ, okay. Now we can put the ketchup. Now it's ready to eat. Yeah. This looks really nice. Thank you so much, Chef. My pleasure.
So this was jacket potato with chicken tikka stuffing. लेकिन आप चाहें तो आप इसमें अपनी मनपसंद stuffing भी डाल सकते हैं. तो अगली बार जब बाजार जाएं तो आलू थोड़े ज्यादा लाइएगा. Because now you've learned potato roshti and jacket potato with chicken tikka stuffing. Thank you once again. Jacket potatoes with chicken tikka बनाने के लिए आपको चाहिए आलू 2, चिकन टिक्का 2 से 3, तेल 2 टीस्पून, प्याज 10 ग्राम, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, लाल मिर्च आधा टीस्पून, अदरक 5 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, शेडर चीज टू स्प्रिंकल, हरा धनिया टू स्प्रिंकल. आलू को सिल्वर फॉइल में लपेटे, आधा सेंटीमीटर नमक की तह में आलू को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट के लिए बेक करें. फॉइल निकाल कर बीच से आधा काट लें और बीच के हिस्से को निकाल कर छेद कर लें. चिकन टिक्का की स्टफिंग बनाएं. आलू को बेकिंग ट्रे में रखें, स्टफिंग भरें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 3 मिनट के लिए ग्रेटिनेट करें. गार्निश करके केचप के साथ सर्व कर दें. सेलिब्रिटी टेस्ट में आज हमारी मेहमान हैं शुभा मुद्गल. ये एक मशहूर शास्त्रीय गायिका हैं और कई फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है. ये पॉपुलर म्यूजिक में भी रुचि रखती हैं. इनका हिट नंबर अली मोरे अंगना तो आपने सुना ही होगा. अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने आपकी मुलाकात कराई थी सैयद नकवी साहब से. उनका कहना था कि आम तौर पर लोगों का ये प्रेजुडिस होता है कि अपना खाना और अपना गाना. शुभा जी के गाने के बारे में तो हम सभी जानते हैं, चलिए उनके खाने के बारे में कुछ बातचीत हो जाए. शुभा जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू. ये जो कहावत है अपना खाना और अपना गाना, इसमें आप बिलीव करती हैं? कुछ हद तक तो बिलीव करती हूँ, लेकिन अब ऐसा भी लगता है कि हर तरह का खाना टेस्ट करना चाहिए और सभी का गाना भी सुनना चाहिए. तो आप किस तरीके के खाने पसंद करती हैं? मैं यूं तो खाने की बहुत शौकीन हूँ जाहिर है, लेकिन ऐसा लग रहा है आज कि मुझे गाने में तो कभी हिचक नहीं महसूस होती है लोगों के सामने, लेकिन खाना बनाने में कुछ नर्वस सी लग रही हूँ. व्हाट पर्टिकुलर फूड डू यू लाइक, एज इन आपको खाने का शौक है, लेकिन कुछ ऐसे खाने होंगे जो आपके फेवरेट्स होंगे? आई एम फ्रॉम अलाहाबाद. अच्छा. तो मुझे नॉर्थ इंडियन फूड ज़्यादा पसंद है. अच्छा. लेकिन आज मैं सोच रही थी कि गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है. जी हाँ. तो क्यों ना ऐसा करें कि चूल्हे वगैरह का इतना हम ज़्यादा इस्तेमाल ना करें. yeah. और क्यों ना कुछ सैलेड ट्राई करें. Oh, that's very nice. तो स्टार्ट करें. Oh yes, definitely. But what is the salad called? This is called a मूंग दाल सैलेड. ओके. तो सबसे पहले आप कैबेज ले लें. ओके. और उसे एक सैलेड बोल में आप डाल दें. अच्छा. फिर अंदाज से ये जो सोक्ड धुली मूंग की दाल है इसको इसमें डाल लें. मूंग की दाल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सोक हो जाती है. अच्छा. इट्स वेरी अपीलिंग, अ नाइस प्रिटी पेस्टल कलर. या आइडियल फॉर द समर. या दैट्स राइट, एंड आइडियल फॉर माय ड्रेस. राइट. ओके जी. और अब इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट डाल लें आप. अच्छा. इसे भी मिक्स कर लें. ये जो कद्दूकस किया आपने. हाँ जी. तो गर्मियों के लिए ये सब चीज़ें आइडियल हैं. नारियल भी ठंडक करता है. बिल्कुल. एंड मूंग की दाल इज़ वेरी गुड एंड लाइट फॉर द स्टमक. बिल्कुल. okay. अब इस पे थोड़ा सा आप नमक छिड़क लें. अगर आप इसको इमीडिएटली सर्व करना चाहते हैं तब तो नमक तुरंत डाल लीजिए. अच्छा. ये तो जब सर्व करना चाहते हैं तो फिर तब नमक डालिए. और अगर आप हरी मिर्च तीखा खाना पसंद करते हैं तो ढेर सारी हरी मिर्च डाल दीजिए, वरना थोड़ी सी. फिर एक डेढ़ टीस्पून तेल लेके, कोई भी जो भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करते हैं. अच्छा. उसमें थोड़ी सी ये जो सरसों हैं जी, मोटी वाली जो सरसों, राई जो है, राई, इसको लेके आप उसमें तड़का लगा लें. अच्छा. और थोड़ी सी हींग ऐड कर दें उस छौंक में और उसे आप इस पर डाल दें. तो ये पहले से आपने छौंक तैयार करके रखा हुआ है. जी. इसे मिला के तो हींग का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है. हाँ. ये सैलेड ऐसा है जो कि हिंदुस्तानी खाने के साथ ज़्यादा चलेगा. अच्छा. उसके बाद अंत में थोड़ा सा नींबू इस पर निचोड़ के, खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए नींबू. और बस आपका सैलेड तैयार है. दैट्स वेरी या दैट वाज वेरी क्विक. या आई थिंक इस गर्मी में सभी को ये उम्मीद होती होगी कि किस तरह जल्दी से खाना बना के और बाहर निकले. तो दिस इज़ अ क्विक वे.
एंड अ ब्रेक फ्रॉम द किचन एंड द हीट. राइट. तो शुभा जी ये तो बहुत जल्दी से बन गया एंड आई थिंक वी हैव अ लिटिल मोर टाइम. तो आप एक सैलेड और सिखाएंगे? जरूर. तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑरेंज एंड ग्रीन सैलेड. तो इसके लिए सैलेड ड्रेसिंग चाहिए आपको थोड़ी सी. तो पहले आप सिरका, वाइट विनेगर ले लें, एक कटोरी में मिला लें. अच्छा. उसके बाद थोड़ा सा ऑयल. अच्छा. सैलेड ऑयल या ऑलिव ऑयल, हाँ जो भी. जस्ट 1 teaspoon सॉल्ट एंड पेपर. काली मिर्च भी डाल लें. अच्छा. दिस इज ब्लैक पेपर. हाँ. और थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर. अच्छा. इसे मिला लें. और बेहतर ये होगा कि आप इसे एक छोटी बॉटल में बना के रखें और थोड़ी देर खड़ा रहने दें. अच्छा. और जब ये तैयार हो जाए तो आप हरा चना ले लें और इसे इसमें डाल दें. ऑरेंजेस, संतरा जो है आप पील करके सेगमेंट्स उसके काट के टुकड़ों में. अच्छा. इस तरह बना लें और इन्हें भी मिला दें इसमें. अच्छा. और थोड़ा सा अंगूर. अच्छा. यूज कर लें. तो अंगूर साबुत ही डालते हैं, उसको स्लाइस करने की जरूरत नहीं? नॉट रियली. सो दिस इज मोर ऑफ अ फ्रूट सैलेड. राइट. मिक्स इट एंड यूज योर ड्रेसिंग. ओके. जितना आप चाहें. बहुत तेज ड्रेसिंग अगर आपको पसंद है, आपका टेस्ट वैसा, स्वाद वैसा हो तो वो कर लें, और नहीं तो इसको थोड़ा सा ड्रेसिंग इसके ऊपर डाल दें. अच्छा. और इसे मिला लें और आपका सैलेड तैयार. ओह, दैट्स वेरी क्विक. यस. नो कुकिंग अगेन. नो कुकिंग अगेन. एंड आई माई नॉट फॉर्चुनेट दिस मैचेस विद माई ड्रेस अगेन. अगेन, यू नो, आई ऑलवेज न्यू आई मैच इट विद योर ड्रेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो जो लोग इस गर्मी में किचन और गैस से परेशान हो गए हैं, वो शुभा जी की कूल समर सैलेड जरूर ट्राई करें. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आलू स्पेशल बहुत पसंद आया होगा. एंड वी विल बी कमिंग अप विद सम मोर स्पेशल्स लाइक दिस फॉर सम वेरी स्पेशल व्यूअर्स लाइक यू. बाय बाय.